एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। और आज हम शुरू करेंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस। तो जो भी हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा है, जैसे हमने थ्री ही पाथवे पढ़ लिए थे, तो सारे के सारे जो पाथवे हैं अब आपको कितना याद है वो अब पता चल जाएगा। तो पीवाईक्यू के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप पे आ ही जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को 2 या 3 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, तो अब मैं पढ़ती हूँ इसको। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक मिनट, तो नॉट ट्रू इसमें पूछा है। मैंने हमेशा आपसे कहा है, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज ये देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, वो पता चले करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट देख लिया, इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट देख लिया। तो सबसे पहले आंख खोल के ये चीज देखो कि क्या पूछा गया है, ट्रू पूछा है कि नॉट ट्रू पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो हमें ये कुछ स्टेटमेंट पढ़ने हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये जून 2018 से ही मैंने शुरू किया है, तो बाकी का जो प्रीवियस है वो या तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी और वैसे आप लोग खुद ही अब कर लोगे सॉल्व है। तो पहला क्या है, अल्टरनेटिव पाथवे यूज द सेम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस एज अ क्लासिकल पाथवे। क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो चाहे आप क्लासिकल की बात करें, चाहे अल्टरनेटिव की बात करें या लेक्टिन की बात करें, तीनों ही पाथवे में सिमिलर होता है। द अल्टरनेटिव पाथवे डज नॉट रिक्वायर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या ये बात सही है? तो ये बात एकदम सही है। एंटीबॉडी का जो एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन केवल आपके क्लासिकल पाथवे में होता है। देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे एज वेल। तो यहां पर नहीं होता, ये बात एकदम सही है। अल्टरनेटिव पाथवे प्रोड्यूस C3 बाय द सेम रूट एज क्लासिकल पाथवे। क्या ये बात सच है? तो ये बात रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट आपका यही सही होगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्लासिकल पाथवे था उसमें C3 का फॉर्मेशन कर रहा था, अगर आपको याद हो, C4B एंड C2A ये आपके थे C3 कन्वर्टेज, जो आपके C3B एंड C3A मतलब C3 को कन्वर्ट कर रहे थे C3B में एंड C3A में। तो C3 का जो फॉर्मेशन है या जो C3 कन्वर्टेज है वो क्लासिकल पाथवे में अलग होता है, और अल्टरनेटिव पाथवे में क्या था? अल्टरनेटिव पाथवे में था C3B एंड BB आपका क्या था? C3 कन्वर्टेज था। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो उस तरीके से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रहा है जो आपका अल्टरनेटिव पाथवे है वो C3 सेम वे में प्रोड्यूस करता है जैसा कि क्लासिकल पाथवे में हुआ है। तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। सर्टेन माइक्रोबियल सबस्टेज है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज दैट वे रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे। तो ये एकदम सही बात है। आपका सी ही बिल्कुल एकदम गलत ही था, यहाँ पे तो कहीं कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो सी है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है आपको पढ़ने के लिए, तो आप इसमें भी उसको फर्दर कंफर्म कर सकते हैं। अब जरा ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको मैं बताती हूँ, इसमें पूछा क्या है, गया है ऑल करेक्ट। तो अब हमें ये स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट चीजों को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत कौन सा सही। अब ये देखो, अभी लेटेस्ट 2023 का ही क्वेश्चन है, अब ये आप कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या है, बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट टू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स डिक्रीज देयर फेगोसाइटिक एबिलिटी एंड मॉड्यूलेट साइटोकाइन सिक्रेशन। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब मैं क्लासिकल पाथवे आपको पढ़ा रही थी तो पहली स्लाइड में मैंने आपको बेसिक फंक्शन बताए थे। तो फंक्शन में क्या था, एक तो लाइसिस था, दूसरा हमने फेगोसाइटोसिस पढ़ा था, हमने इन्फ्लामेशन भी पढ़ा था, हमने एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस जो थे उनका क्लियरेंस भी पढ़ा था। तो जब हमने फेगोसाइटोसिस पढ़ी थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कोई बैक्टीरिया सेल है, इसके ऊपर जो एंटीजन है इन पे बाइंड करेंगे आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब बाइंड करेंगे तो अगर ये आपके मैक्रोफेज है तो इसके पास प्रेजेंट होते हैं आपके रिसेप्टर,
दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर। तो ये इसके साथ जब बाइंड करेंगे तो ये सेल इजीली फेगोसाइट होगी, मोर आपकी फेगोसाइट सेल आएंगी, आपकी सारी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो आपके पैथोजेनिक सेल्स हैं जिनसे एंटीजन बाइंड किए हो गए हैं, ये इजीली उनके साथ बाइंड करेंगी, इनगल्फ करेंगी। तो उस कायदे से ये इंक्रीज करती है फेगोसाइटोसिस एबिलिटी को, ये डिक्रीज नहीं करती। तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट था, जो आपका स्टेटमेंट गलत है हमें सही निकालना है। तो ए वैसे भी गलत है, तो देखो आप सीधा यहाँ देखो तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब आपका जब थर्ड आपने ऑप्शन देखा तो थर्ड में भी आपका ए नहीं है और ये तो या तो सी होगा या बी होगा, तो आपको बी भी पढ़ने की जरूरत है नहीं है और ई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन है। तो ये चीज भी आप एक बार आइडेंटिफाई करिए, अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो आपको अपने टाइम को बचाना है। तो ना ही अब हम इसमें बी पढ़ेंगे ना ही हम ए पढ़ेंगे, सीधा सी और डी पढ़ लीजिए। लेकिन अब यहां तो हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको बी भी बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट एनहांस द बी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज बाय इंक्रीज द एविडिटी विथ विच द बी सेल कैन बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट बाउंडेड एंटीजन। तो ये भी सही है क्योंकि फंक्शन में ही मैंने आपको बताया था, ये पूरा फंक्शन का ही है, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का। यहाँ पर कोई क्लासिकल या अल्टरनेटिव पाथवे की अभी तक बात नहीं हुई, ये फंक्शन की ही बात हो रही है। तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फेगोसाइटोसिस करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सिस फॉर्मेशन है तो क्लियरेंस के लिए भी है। तो उसी तरीके से ये क्या करेगा कि जो आपके बी सेल्स हैं उनकी भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है जिससे एविडिटी बढ़े और आपका जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स है या जो आपकी सेल है टारगेटेड सेल है उसका डिग्रेडेशन। थर्ड क्या है, इमेच्योर टी सेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस प्रोविजन ऑफ द एडिशन ऑफ सैलिक एसिड रेसिड्यू ऑन देयर सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपका जो स्टेटमेंट सी है वो सही है। अब स्टेटमेंट सी सही है वो कैसे सही है, क्योंकि जब मैं आपको अल्टरनेटिव पाथवे बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर आपकी सैलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होती है और ये जो एसिड है ये करती क्या है, आपकी जो C3B जो प्रोटीन था, जो आपका सेंट्रल प्रोटीन था कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिवेशन का, उसको क्या करती है, उसको उसके अटैचमेंट को या उसको अनस्टेबल करती है। ये एक तरीके का रेगुलेटर है। तो ये तो ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो गई। एट द सेम टाइम जब आपके टी सेल इमेच्योर होती है, ये जब मैं आपको टी सेल पढ़ाऊंगी तब ये वाली बात वहां पे बताऊंगी, लेकिन अगर आपको इतना ही याद होता अभी सेलिक का तो आप उससे भी इसको कनेक्ट कर पाते। तो जो आपकी इमेच्योर सेल टी सेल्स होती है उनके पास अभी टी सेल रिसेप्टर नहीं आया है। अब जब ये मैच्योर होगी तब इनके पास प्रॉपर जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं वो सारे डेवलप होंगे। तो जब इमैच्योर सेल्स होती है तो इनके पास इनके स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं होते, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनको एज अ एंटीजन ना डिटेक्ट कर ले, इनको सीधा इनगल्फ ना कर पाए, तो उस प्रोटेक्शन के लिए इनके पास होता है आपका सैलिक एसिड रेसिड्यू ऑन द सेल सर्फेस ग्लाइकोप्रोटीन, जो क्या करता है कि जो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल आपकी लाइसिस होती है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो स्टेटमेंट सी भी आपका सही है, तो उस कायदे से आपका जो सी है वो सही हो जाता है। लेकिन चलो डी पढ़ते हैं। द बाइंडिंग ऑफ C3A, C5A एंड C3B टू देयर रिस्पेक्टेड रिसेप्टर ऑन द मैच्योर टी सेल इनहिबिट देयर ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल से। तो ये तो एकदम गलत बात है क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है जब वो आपकी मैच्योरिटी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो बेसिकली है वो इम्यून सिस्टम को असिस्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। तो अगर आप बेसिक उनका फिनोमिना देखो, ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं, पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जो आपके टी सेल्स हैं, जो आपकी बी सेल्स हैं, आपके मैक्रोफेजेस हैं, जो आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियरेंस की रिएक्शंस हैं, उन सब में आपके जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो असिस्ट ही करेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट में दिया गया है कि यहां पर वो इनहिबिट करते हैं उनकी ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को। अब सिंपल सी बात है, अगर टी सेल की ग्रोथ वो इनहिबिट कर देंगे टी हेल्पर सेल, क्योंकि टी सेल्स की दो पॉपुलेशन है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स। अगर टी हेल्पर सेल डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा,
और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो आपका जैसे अगर आप क्लासिकल पाथवे की बात करें तो वो किस तरीके से एक्टिवेट होगा, इस तरीके से ये इनको फैसिलिटेट करते हैं, ना कि इनहिबिट करते हैं। तो उस आपका जो स्टेटमेंट डी है वो गलत है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो आपका ऑप्शन है बी सी एंड ई, ये आपके ऑप्शन सही है। तो आंसर इज सी, और ये आपका एक्सप्लेनेशन है आपको पढ़ने के लिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप क्वेश्चन सी जरा इसको करने की कोशिश करो। तो देखो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि थ्री स्ट्रेन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया वर फाउंड टू एक्सप्रेस प्रोटीन जो मिमिक कर रहा है ह्यूमन प्रोटीन एसोसिएटेड कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। कहने का मतलब ये है, कोई ये बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है एंड ये तीसरा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कुछ इस तरीके के प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं जो आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उनको मिमिक कर रहा है। जो आपका बैक्टीरिया एक्स है, मतलब जो आपका फर्स्ट बैक्टीरिया है, ऑन इट्स सरफेस प्रोटीन ये मिमिक कर रहा है आपके डी ए एफ को एंड सी आर वन को। अब अगर आपको इनका फंक्शन याद है तो अभी आप इसको रिजोल्व कर लेंगे। तो बैक्टीरिया वन मतलब आप याद रखिए सी ए एफ एंड सी आर वन। अगर आप बैक्टीरिया वाई की बात करेंगे तो ये मिमिक कर रहा है द प्रोटीन ऑफ ह्यूमंस, सीधी सी बात इसको एच लिख दीजिए, ठीक है ह्यूमन। और जो आपका बैक्टीरिया जेड है वो आपके फैक्टर आई को मिमिक कर रहा है। तो इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डी ए एफ का क्या फंक्शन है, सी आर वन का क्या फंक्शन है और एफ आई का क्या फंक्शन है। ये जो ह्यूमन, ये जो दूसरा इनने बताया है कि जो कोई बैक्टीरिया बाई है वो सीक्रेट कर रहा है आप प्रोटीन दैट मिमिक प्रोटीन ऑफ ह्यूमन, तो ये आप अभी छोड़ दीजिए। अगर ये चीजें आपको याद है तो उतने में भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टेबल फॉर्म में ये कुछ नहीं था इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि इसको अभी जाने दो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, बैक्टीरिया एक्स जो है विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ सी थ्री कन्वर्टेज, एकदम सही, क्योंकि जो आपका डी ए एफ है सी आर वन है ये कर क्या रहा था क्लासिकल और अल्टरनेटिव पाथवे में, जो आपका सी थ्री कन्वर्टेज था उसको क्या कर रहा था, उसको इनहिबिट कर रहा था, उस कन्वर्टेज असेंबली को असेंबल नहीं होने दे रहा था। बैक्टीरिया बाई विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द सी थ्री कन्वर्टेज ऑन इट्स सर्फेस बाय लेक्टिन पाथवे। अभी इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखो, ये ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि बाई कोई ऐसा प्रोटीन है जो इनहिबिट कर रहा है सी थ्री के फॉर्मेशन को, सी थ्री कन्वर्टेज के फॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ लेक्टिन पाथवे। उन्होंने पाथवे स्पेसिफाई कर दिया है, पाथवे ना क्लासिकल है ना अल्टरनेटिव है, केवल लेक्टिन पाथवे है और सी थ्री कन्वर्टेज को आपका जो बी वाला है वो सिंथेसाइज कर रहा है। तो चलो हमने ये बात मान ली। तीसरा स्टेटमेंट जो जेड है, जेड बैक्टीरिया विल बी ससेप्टिबल टू द कॉम्प्लीमेंट अटैक बाय मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि जो हमारा आई फैक्टर है, हमें पता है फैक्टर आई प्रोटीन वो क्लीव करता था सी थ्री बी को, सी थ्री बी को एंड सी फोर बी को। ये बिल्कुल रखा रखाया स्टेटमेंट है उसी टेबल का, तो क्यूबे की वो बुक की टेबल है बेसिकली जो मैंने आपको भेजी थी, तो उसमें ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें आपने देखा कि ये वाला स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट है वो तो हमारे दोनों ही करेक्ट है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरियम आपका वाई है विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ऑन इट्स सर्फेस। अब देखो ये क्या बात कह रहा है, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं बैक्टीरिया वाई के लिए, कौन से, पहला तो कि भाई ये सी थ्री कन्वर्टेज को इनहिबिट कर दे रहा है, और तीसरा क्या कह रहा है, मतलब सी थ्री कन्वर्टेज का फॉर्मेशन ही नहीं होने दे रहा है, और बाद में ये क्या कह रहा है कि ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को भी प्रिवेंट कर रहा है। अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये कुछ ऐसा है, ये कोई बैक्टीरिया है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ, अगर सी थ्री कन्वर्टेज जो है, सी थ्री कन्वर्टेज अगर ये यहीं पर इनहिबिट हो गया तो क्या ये प्रोसेस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तक जाएगी, और हम
ये केवल बात कर रहा है लेक्टिन पाथवे का। तो अगर ऐसा कुछ होता कि भाई तीनों पाथवे की बात होती तो हम इस बात को मान लेते कि हो सकता है कि C3 कन्वर्टेज केवल लेक्टिन पाथवे में इनिबिट हो रहा है, क्योंकि लेक्टिन पाथवे में C3 कन्वर्टेज डिफरेंट था, अल्टरनेटिव पाथवे में और आपके क्लासिकल पाथवे में अलग था, तो इस चीज को हम मान लेते। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो बैक्टीरिया बाई है वो केवल लेक्टिन पाथवे के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो केवल लेक्टिन पाथवे के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है तो या तो वो ये रिएक्शन देगा या फिर वो ये रिएक्शन देगा। लेकिन जो अगर ये चीज कंफर्म है कि वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तक गया है, मतलब उसने मेम्ब्रेन अटैक जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन नहीं होने दिया, तो ऑब्वियसली बात है C3 कन्वर्टेज तो बना होगा। जब C3 बना होगा तब जाके C5 बना होगा, उसके बाद आपका मेम्ब्रेन अटैक, तो C5 तो बना ही बना है, तब जाके उसने मेम्ब्रेन अटैक फॉर्मेशन जो है उसको रोका है। तो उस हिसाब से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गड़बड़ है, क्योंकि हम हमेशा ये लेके चलेंगे कि अगर किसी स्टेटमेंट में ये दिया है कि एंड प्रोडक्ट इनिबिट हुआ है, मतलब उससे पहले के सारे प्रोडक्ट बने हैं, अगर C3 ही पहले इनिबिट हो जाता तो इतना तक आने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये हल्का सा कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था ना घुमाने वाला। ऑल्दो अगर आपको ये दोनों ही चीजें पता नहीं तो आपके पास ये दो ही बनते जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थे। तो आप अगर आपको ये भी पता है कि आखिरी प्रोडक्ट बन रहा है तो मतलब आगे के पूरे एक्टिवेट हुएंगे तब जाके आपका लास्ट प्रोडक्ट तक प्रोसीजर आई है, तो उस हिसाब से आपका जो स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है और इसका आंसर भी बी ही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप इसी टेबल को अच्छे से याद करते तो आपका वो सारा क्वेश्चन रिजोल्व हो जाता। तो यहाँ पर बस मैंने इतने ही जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे वो मेंशन करे हैं, प्रीवियस ईयर के मैंने ज्यादा देखे नहीं थे। तो आप देख लीजिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपको कंफ्यूजन है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में वो ईयर और क्वेश्चन नंबर भेज सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व करा दूंगी। ऑल्दो हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बड़ा बेसिक सा है, बस उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। अगर आपने अच्छे समझ लिया है तो आप वैसे ही खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इम्यूनोलॉजी की सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।